मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूँ, तुलसी हेल्थ केयर से बोल रहा हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या आपके परिवार में या आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा जना है तो उन्हें रिकमेंड करिए एंड वो इसको यूज़ करके एक साइंटिफिकली राइट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आज मैं पॉर्न एडिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ दिनों से स्पेशली डिजिटल वर्ल्ड में पॉर्न का अवेलेबिलिटी और इस तरह के वीडियो, इस तरह के चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल हमारे मोबाइल पे, कंप्यूटर पे बार बार इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि आप लोग डेट करो, आप लोग लड़कियों से कांटेक्ट कर सकते हो, लड़की लड़कों से कांटेक्ट कर सकती है। बहुत अर्ली एज में हमारा एक्सपोजर इस चीज़ों में हो रहा है। स्पेशली जो आजकल सारे नए तरह के चैनल हैं उनको तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है और वो शायद इस तरह की चीज़ों को काफ़ी हद तक दिखा भी पाते हैं क्योंकि ये शायद सेंसर के कंट्रोल में नहीं है। इन सब चीज़ों से, एक्सपोजर से यंग पॉपुलेशन पे, ब्रेन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है और पोर्नोग्राफी को बहुत यूज़ करने लगे टू द एक्सटेंट कि एडिक्शन जैसा होता जा रहा है। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आए जो कहते हैं कि अगर वो टेंस हो जाते हैं तो उनको अपने ऑफिस में या अपने घर में थोड़ा सा ये पॉर्न को यूज़ करना पड़ता है, आधा घंटा एक घंटा। जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग इसके साथ में मैस्टुबेट करते हैं, कुछ लोग इंटरनेट पे ही सेक्स की साइट्स कुछ ढूंढ लेते हैं और उसके थ्रू इसका इस्तेमाल करते हैं। सो पॉर्न एडिक्शन एक तरह से शायद बायोलॉजिकली सेक्स तो एक नॉर्मल बिहेवियर है बट कई बार ये चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसकी लाइफ अफेक्ट होने लगती है। वो ऑब्सेस्ड होने लगता है, सारा दिन इसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है और इन चीज़ों के बीच में वो डिफ़िकल्टी से गुजरता है और प्रॉब्लम्स उसकी बढ़ जाती है। इस तरह की पॉर्न एडिक्शन से उसकी लाइफ काफ़ी प्रभावित होने लगती है, वो सारा समय उसी में लगाने लगता है। अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता है तो बहुत रेस्टलेस होने लगता है, उसके मन में क्रेविंग होने लगती है। जैसे उसका अगर फ़ोन ले लो थोड़ी देर को तो उसी से परेशान हो जाता है, थोड़ी सिचुएशन होने से ही परेशान हो जाता है और इस तरह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या हमारे सोशल बिहेवियर में कोई जना इंट्रोड्यूस कर देता है। कई बार हमने ये देखा है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन फ़र्क होता है और उस वजह से पॉर्न का इस्तेमाल करते हैं लोग। सोशली भी ये फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल ऑल्सो, बिकॉज एक सेक्स नॉर्मल बिहेवियर है और ये एक लाइफ की ज़रूरत है। तो कई बार हम लोगों को इस तरह के हार्मोन्स भी पुश करते हैं कि हम इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं। अगर हम इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, मिडिल एज के लोग आते हैं, उनको ये गाइड करते हैं कि आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा करना शायद फ़ायदेमंद नहीं है, लाइफ को एक बैलेंस तरीके से जीना है, तो वो बहुत एंशस हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं और उनको ऐसे लगने लगता है कि उनकी लाइफ में कोई मेजर कमी है। कई बार वो कुछ समय के लिए तो कंट्रोल कर लेते हैं फिर नहीं कर पाते हैं। कई बार जब उनकी शादियां होती हैं तो वो अपनी वाइफ के साथ में इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, सेक्स नहीं कर पाते हैं, मगर पोर्नोग्राफी देखने से वो नॉर्मली अपना कर पाते हैं। ना इस तरह की चीज़ें सब लाइफ को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं और अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो हमें एक मदद की ज़रूरत है। डेफिनेटली सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बीमारी की तरह है और आपको मदद के तौर पे कोई हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है जो दे दें तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बातचीत के जरिए समझा के, आपकी बात समझ के शायद हम आपको गाइड कर सकें।
पोर्नोग्राफी में आजकल पोर्नोग्राफी अनोनिमस करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं, जिसमें लोग बाग अपनी प्रॉब्लम्स को, सेक्स एडिक्शन को, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन को डील करते हैं, और आप इंटरनेट पे आसपास ढूंढ सकते हैं, एज वेल एज आजकल जूम के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस भी हेल्पफुल तरीका है, और हमारे को अपने बिहेवियर के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, अपने आप को रिलैप्स से बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें कई बार 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 हमारे पास आ जाती हैं और हम इन चीज़ों से बीमार हो जाते हैं। डेफिनेटली इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ एडिक्शन हम लोग कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ यूज़ करते हैं, और ये टेंडेंसी देखी गई है कि इन हालात में कई बार लोग बाग अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल और भी ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस ऑफ एडिक्शन में हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और उसके एटमॉस्फेयर को चेंज करना पड़ता है, उसको इंटेंस थेरेपी, साइकोथेरेपी, CBT, माइंडफुलनेस, ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को नॉर्मली लीड करता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो लेट्स कम फॉरवर्ड, टेक हेल्प, एंड विद हेल्प यू कैन लीड ए मच नॉर्मल लाइफ, डोंट रन अवे। एंड ये हमारा तुलसी हेल्थ केयर का यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। धन्यवाद।